हेलो शार्क्स। हेलो। मैं आज आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी है कन्हैया की, जो चेन्नई में अपनी बीवी और दो बच्चों के साथ हंसी खुशी रहते थे, लेकिन उनके काम ने ही उनकी जान ले ली। जो सेप्टिक टैंक्स और सीवर लाइन जैसे जहरीले इन्वायरमेंट में जाकर उसकी मैनुअली क्लीनिंग करते थे, वो क्लीन करते हुए पॉइजनस गैस इनहेलर से उनकी डेथ हो गई। भारत सरकार ने 2013 में मैनुअल स्कैवेंजिंग को बैन कर दिया था, लेकिन आज भी ये इलीगल तरीके से जारी है। शार्क्स, 2017 से 2021 तक लगभग 330 लोगों की मौत हो चुकी है इसी प्रॉब्लम से। हमारे शहरों में एक और गंभीर समस्या है जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये है वो पाइपलाइन जिसके थ्रू आपके घरों में पानी आता है। कितना अनहाइजीनिक है ये तो हम देख ही रहे हैं। ये पाइपलाइन जो 15 सेंटीमीटर का हुआ करता था, वो अब 9 सेंटीमीटर का भी नहीं बचा है। शार्क्स, ऐसा इसलिए क्योंकि आज भी पाइपलाइंस की इंस्पेक्शन या सीवर लाइन सेप्टिक टैंक की क्लीनिंग इलीगल तरीके से मैनुअली होती है। और इसी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन निकालने के फोरफ्रंट में लाने के लिए हमने स्टार्ट किया सॉलिनास। नमस्ते शार्क्स, मैं हूं दिवांशु कुमार। मैं भावेश नारायणी। मैं मोइनक बनर्जी। और मैं हूं लिंडा। हम चेन्नई से आए हैं सॉलिनास इंटीग्रिटी, एक एंड टू एंड वाटर सैनिटेशन एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जो क्रिटिकल पब्लिक एसेट्स जैसे पाइपलाइंस, मैनहोल, सेप्टिक टैंक्स इत्यादि की कंडीशन की जांच और सफाई करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स के जरिए। हमारा पहला प्रोडक्ट होमोसेप एक सेप्टिक टैंक क्लीनिंग रोबोट है, जिसकी मदद से किसी भी सफाई कर्मचारी को सेप्टिक टैंक के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। हम लोगों का दूसरा प्रोडक्ट का नाम है इंडोबॉट, जो कि सीवर और वाटर पाइपलाइन इंस्पेक्शन रोबोट। जनरली म्यूनिसिपैलिटीज हर जगह गड्ढा खोद के इंस्पेक्शन करता है, लेकिन अभी इसका जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों का रोबोट इंश्योर करता है कि इंस्पेक्शन टाइम 10 गुना कम हो और पानी और पैसे का बचत हो। हमने अपने प्रोडक्ट्स को 2020 में लॉन्च किया था। इन दो सालों में हमने कई शहरों के साथ और कुछ इंडस्ट्रीज के साथ पार्टनरशिप की है। हमारा मानना है कि किसी भी शहर की नींव होती है उसके पाइपलाइन और सैनिटेशन सिस्टम। इसलिए हमारे कंपनी का विजन है कि भारत के सभी शहरों की वाटर एंड सैनिटेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना और सिटीज को स्मार्ट बनाना। और शार्क्स, इसलिए हमारी आज के आज 90 लाख इन एक्सचेंज फॉर 2% ऑफ द इक्विटी ऑफ द कंपनी। लेट्स मेक एवरी सिटी स्मार्ट विद सॉलिनास। वंडरफुल, थैंक यू। बहुत ही अच्छा कॉज चुना है आपने और आप चारों का शार्क टैंक पे स्वागत है। Thank you. तो पहले आप चारों के बारे में बताइए, कहाँ पढ़े और फिर ये आइडिया कैसी आई? मैं गया बिहार का रहने वाला हूँ, वहाँ से मैंने 10वीं तक पढ़ाई की। मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना था, तो इसके लिए फिर IIT मद्रास आया और फाइनल ईयर में फिर मैंने, मेरा प्रोजेक्ट था होमोसेप विद माय प्रोफेसर इज आल्सो co-founder, उनके साथ हमने ये शुरुआत की। और आप तीनों का बैकग्राउंड? मेरा नाम भवेश नारायणी है, मैं ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ। बचपन में एक स्कूल से निकाल दिया गया था, तो उस दिन मैंने सपना बनाया था एक दिन मैं बड़े स्कूल में पढ़ूंगा। इस वजह से मैं IIT मद्रास में मास्टर्स की पढ़ाई करने गया। फिर मैंने दिवांशु और प्रोफेसर को देखा कि वो कैसे लोगों की जान बचा रहे हैं एक रोबोट के थ्रू, तो मैंने भी उनको फिर 2019 में ज्वाइन किया। आज मैं मतलब ऐसा प्रोडक्ट हेड हूँ सैनिटेशन डिपार्टमेंट का सोलिनास में, ऐसा कोफाउंडर भी। और मैं मोइनक बनर्जी, मैं दुर्गापुर वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं मेरा बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई से ही किया हूँ। करेंटली मैं वाटर सेक्टर का जो कंप्लीट टेक्नोलॉजी है वो मैं देखता हूँ। लिंडा, आप बताइए। आई एम फ्रॉम चेन्नई, तमिलनाडु। सो आई डिड माय बीटेक इन मैकेनिकल फ्रॉम SRM एंड देन आई केम अक्रॉस सोलिनास। सो आई मैनेज ऑल द R&D प्रोजेक्ट्स एंड आई ऑल्सो टेक केयर ऑफ जनरल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ये तो अमेजिंग है, आप देखो बोध गया, दुर्गापुर, ग्वालियर, चेन्नई, देश की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देश हर जगह पूरा मतलब नेशनल इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट लग रहा है। तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जब मैं कर रहा था, तो फर्स्ट 3 months तो ऐसा ही था, मतलब बॉयस ये कि प्रोजेक्ट कंप्लीट करके निकलना है फिर। लेकिन फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि कुछ सैनिटेशन वर्कर्स की एक टीम थी जिनके साथ हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा था। जब हमने उनको प्रेजेंट किया तो वो सॉल्यूशन पे सब लोग हंस रहे थे, मतलब मुझे समझ नहीं आया कि भाई हमने इतनी मेहनत करके ऐसा सोचा है, आप क्यों हंस रहे हो। तो उन्होंने बोला कि तुमने कभी सेप्टिक टैंक देखा भी है क्या? हमारे नेल्स देखो वो बाहर आ रहे, पूरा स्किन हमारा खराब हो चुका है क्योंकि हमें अंदर जाना पड़ता था। जब मैंने देखा उस चीज को तो मुझे लगा कि एक श्योर शॉट चांस तो लेना है कि अच्छे से मतलब मेहनत करके बनाएंगे कि क्या कर सकते हैं। सेप्टिक टैंक मतलब क्या? वेस्ट क्या होता है सेप्टिक टैंक? जो इंसानों की लैट्रिन, पेशाब होती है वो जाकर सेप्टिक टैंक में कलेक्ट होती है। तो इस तरह का एक मतलब हमने सेप्टिक टैंक बनाया हुआ है। अच्छा जी। रियल जो इंसानों की लैट्रिन होती है वो नीचे ऐसे जमा हो जाती है।
फिर ये हमारी पेशाब और इसका मिक्सचर होता है और ऊपर आके एक क्लोट करती है। तो इस लेयर को और इस लेयर को निकालना पंप से मुमकिन है, लेकिन इस लेयर को निकालने के लिए इंसान इस मैन होल से नीचे जाया करता था। जो ये प्रॉब्लम है, ये तो बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, ग्लोबली भी ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई होगी। तो वेस्ट में सेप्टिक टैंक्स के लिए सुपर सकर मशीन का यूज होता है, जो कि अपवर्ड्स ऑफ 3 to 4 crores की कॉस्ट होती है। वो इंडिया में भी है हमारे पास, लेकिन आप ये सोचिए देखिए कि जो विलेजेस है हमारे, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते उस चीज को। मतलब कुछ है, करेक्ट, सक्शन मशीन्स हैं अवेलेबल, बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव। और जो छोटी मशीन्स अवेलेबल है, जो 15-20 lakh के अवेलेबल है, वो बस टॉप वाला पार्ट क्लीन करते हैं, जो बॉटम का आपका हार्ट स्लज है वो रह जाता है। एक बार मैं आपको बस प्रोडक्ट्स के बारे में बता देता हूँ, ये है क्या चीज। हमारा जो ब्लेड है वो फोल्डेबल है, मतलब ओपन और क्लोज हो जाता है, और एक मल्टीपल ब्लेड सिस्टम है जो हमारी लैब में 5 से 6 साल की रिसर्च में बनाया गया है, जो डीपेस्ट, जो हार्डेस्ट स्लज है उसको मिक्स कर सकता है। फिर ये पूरा सिस्टम हमारे पास एक रिमोट जॉयस्टिक है, जिससे आप पूरा ऑपरेट कर सकते हैं, और सारा डाटा में हम एक कैमरा, एक एक्स्ट्रा एसेसरीज देते हैं। अगर आप पूरे घर बैठे बैठे इस पूरे मिक्सिंग को देखना चाहते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं अपने आईपैड्स में। तो ये आप देखिए, जैसे ये स्मॉल मैनहोल है। अच्छा, तो ये ट्रैक्टर के साथ जो अंदर जा रही है आपकी मशीन, सेम ट्रैक्टर में या जो हमारा दूसरा वर्जन है, वहाँ पर एक सक्शन पंप अटैच होता है, और हमारे पास एक सिस्टम है थ्रू विच बिना मैनुअल इंटरवीन किए हुए अपने आप रिमोट से वो सक्शन पंप अंदर जाएगा, और क्लिक ऑफ अ बटन सक्शन पंप जो है वो पाइप से थ्रू जो है एक टैंक में पूरा स्लज ट्रांसफर कर देगा। आपके 3 प्रोडक्ट है? हाँ, 2 हार्डवेयर 1 सॉफ्टवेयर। होमोसेप इज फॉर क्लीनिंग दी सेप्टिक टैंक्स, यस, और दूसरा एंडोबॉट। एंडोबॉट, एंडोबॉट क्या करता है? हम लोग एक सीरीज ऑफ रोबोट बनाए हैं जो 9 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर, जो इंडिया में लगभग इस साइज का पाइपलाइंस होता है, वो उसका अंदर जाता है और उसका अंदर का कंप्लीट डेटा कलेक्ट करता है। डेटा मतलब जो विजुअल फीड है, वो छोड़ के एक्स्ट्रा डेटा लाइक पाइपलाइन का इंक्लिनेशन क्या है, पाइपलाइन के अंदर का टेम्परेचर क्या है। ये जो डेटा है, मतलब इनसाइट क्या मिलती है, केल चार्ट्स बन जाते हैं या कुछ पता लगता है कि लीकेज है, वो व्हाट इज द फाइनल आउटपुट? मेरा डैशबोर्ड बताएगा उनको कि एग्जैक्टली 73.5 मीटर पर लीक है, कंटामिनेशन है, ट्री रूट है। वाओ, हमने रेंज ऑफ रोबोट्स बनाया है, जो कि स्मॉलर पाइपलाइंस के लिए है, मिड रेंज पाइपलाइंस के लिए है, और बिगर पाइपलाइंस के लिए है। कोई पेटेंट्स फाइल किए हैं? हाँ, होमोसेप में हमारे पास 4 पेटेंट्स फाइल किए हैं, 2 डिजाइन पेटेंट्स ग्रांटेड है, 2 पेटेंट्स अभी। और एंडोबॉट में? एंडोबॉट में पेटेंट्स अभी हम फाइल कर रहे हैं। तो आपकी इक्विटी स्ट्रक्चर सेम है, सिमिलर? नहीं, इक्विटी स्ट्रक्चर डिफरेंट है। क्या क्या है? तो आई होल्ड मेजोरिटी ऑफ द इक्विटी, 32%, 32.5%, और इनकी है अबाउट 8.5%, इनकी 5.5%, और इनकी 2.5%। बाकी का जो IIT के प्रोफेसर है, जो हमारे को फाउंडर्स और नॉन एग्जीक्यूटिव हैं, उनके पास अबाउट 20% है, और उसके अलावा जो अभी हमने इन्वेस्टमेंट वगैरह भी रेज की है। अच्छा, उनमें कहाँ से रेज किए? हमने 3 महीने पहले अपना सीड राउंड क्लोज किया है। कितना रेज किया था? 4.2 करोड़। उस समय हमारा पोस्ट मनी वैल्यूएशन था 26 करोड़। ये कितने की मशीन आती है? टू आंसर योर क्वेश्चन, ये मशीन 15 से 25 लाख तक की होती है, सारी एक्सेसरीज एडवर्ट करने पर। एंडोबॉट का जो बिजनेस मॉडल है वो सर्विस बेस्ड है, इसमें हम जनरली म्यूनसिपैलिटीज को या फिर कुछ इंडस्ट्रीज ऑल्सो, जिसका रियल स्टेट काफी बड़ा है, उनके खुद के अंडरग्राउंड सीवर वाटर पाइपलाइन है, उनको भी कैटर करते हैं। तो लास्ट ईयर हमारा जो टोटल सेल था लगभग, वो कस्टमर रेवेन्यूज अराउंड 1.2 करोड़ की थी। इस साल हमारा जो ARR है वो लगभग 5 करोड़ का है। इस 5 करोड़ को एक बार तोड़िया, कितना रिकरिंग है और कितना वन टाइम मशीन बेचने का? होमोसेप का जो बिजनेस है लगभग वो 3.75 करोड़ के आसपास का हमारा ये है, और उसके बाद एंडोबॉट सर्विसेज से हमारा लगभग 2 करोड़ का, मतलब जो ये रेवेन्यू आएगा। तो 3.75 करोड़ रुपए की जो मशीनें बेची, उसमें कितना अपने घर पे पैसा बनाया? ग्रॉस मार्जिन लगभग हमारा जो है 60% का, वो लगभग 1.8-1.7 करोड़ का बनेगा। और ये 2 करोड़ का जो सर्विसेज रेवेन्यू था, उसमें कितना अपना मार्जिन होता है? सर्विसेज में भी हमारा 55-60% का ग्रॉस मार्जिन होता है। मार्केट साइज कितना है भाई, मतलब ये टोटल कितना हम लोग बेच सकते हैं, मतलब कितनी मशीनें बेच सकते हैं आपके? जनरल जो ग्लोबल मार्केट है वो लगभग $6 billion का हम देखते हैं, इंस्पेक्शन एंड इनलाइन इंस्पेक्शन एंड क्लीनिंग मार्केट। और इंडिया में लगभग, फिर मैं अगर उसका मतलब 10% भी, अगर 20% जो मानूं, जो कि इंडिया का हमारा बिग मार्केट है, तो अबाउट 1.2-1.5 billion का होगा। 6 बिलियन आपका अगर ग्लोबल मार्केट है, तो इंडिया का 10% भी नहीं होगा। वॉल्यूम टर्म्स में शायद 20% हो, लेकिन वैल्यू टर्म्स में 10% से भी कम हो, ठीक है? अभी एक सवाल है मेरा बहुत जरूरी, आप जनरली स्पीकिंग और आगे भी चल के मुझे लगता है आपका मेन रेवेन्यू आएगा म्युनिसिपैलिटी और गवर्नमेंट से, कि उसको आप कैसे हैंडल करोगे? हम म्युनिसिपैलिटी से एक विन-विन सिचुएशन क्रिएट करते हैं, जो उसके इंजीनियर्स हैं, कि आपके पास अभी 2600 किलोमीटर का पाइपलाइन नेटवर्क है, अगर मैं आपको ये बताऊं कि रेगुलरली कहां कहां पर पाइपलाइन चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर पाइपलाइंस खराब हो रही हैं, आपको इतनी ज्यादा डिग्रेड करने की जरूरत है, तो काम भी बढ़ेगा।
मेरे को आपसे मिलकर बहुत ही मजा आया। आप चार यंग बच्चे पूरे भारत के अंदर सपोर्ट कर रहे हो, कंट्रीब्यूट कर रहे हो, मेरे को कॉज भी बहुत पसंद आया। बाकी प्रोडक्ट की इनोवेशन जो है वो क्लियरली इंडियनाइज्ड है, तो वो भी बहुत अच्छा लगा। मैं और नमिता मिलके दे रहे हैं इस ऑफर को। थैंक यू। विल स्टिक टू योर प्रीवियस राउंड वैल्यूएशन व्हिच इज 26 करोड़। विल गिव यू टोटल 90 लाख एट योर आस्क। 90 लाख आपको देंगे पूरे, 52 लाख इन इक्विटी और 38 लाख इन डेट। डेट 10% पे होगा, 4% की इक्विटी बैठेगी जो हमें आपसे चाहिए। सॉरी 2%, सॉरी 2%। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर द ऑफर। आई वुड आल्सो वांट टू हियर फ्रॉम अदर शार्क्स इन देयर। लास्ट फाइनल क्वेश्चन फिर आपको बताते हैं। आज आपका रेवेन्यू आपने कहा इस साल 5 करोड़ होगा। सेप्टिक क्लिनिक से कितना आएगा उसमें? 3 से 3.5 करोड़। ये बिजनेस कितना बढ़ सकता है? आराम से 100-150 करोड़ हम लेके जा सकते हैं। और इसमें आज की तारीख में हु इज द बिगेस्ट कॉम्पिटिशन और उसका साइज क्या है? अभी जो हमारे बिगेस्ट कॉम्पिटिटर जो होगा वो होगा कामाविडा। उनका रेवेन्यू अपवर्ड्स ऑफ 200-500 करोड़ होगा। 200-500 करोड़। हाँ। मेरे को क्या लगता है ना, आपके बिजनेस में सबसे बड़ा है आपको पार्टनर्स बनाने पड़ेंगे। आप देखिए हिंदुस्तान में ड्राइविंग को देखिए, जो ट्रांसपोर्ट है, जब रोजगार बना तो चाहे फूड डिलीवरी है, चाहे वो राइड शेयरिंग है, सब चल गया, राइट? तो भारत की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इज माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स बनाना। आपने टेक्नोलॉजी बना लिया, प्रोडक्ट बना लिया, पर अगर आपको जेन्युइनली इम्पैक्ट क्रिएट करना है, आपको इस सोल्यूशन को विद ट्रैक्टर कॉस्ट एक ऐसा अफोर्डेबल सोल्यूशन बनाना पड़ेगा जिसमें हो सकता है कल को जाके लोन भी आप ही को देना पड़े, बिकॉज इसके लिए कौन लोन देगा? इसकी अंडरराइटिंग नहीं होगी, इसकी अंडरराइटिंग नहीं होगी, तो हो सकता है उसकी अंडरराइटिंग आपको करनी पड़े। तो आपको एक ही तरीका है, आपको इसको बहुत अफोर्डेबल बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, देयर इज नो चॉइस। और जितना भी इंसान को लगता है कि इससे कम नहीं हो सकता, हम इंजीनियर्स बने इसलिए कि इससे कम हो सकता है। तो प्रोवाइडेड यू कैन फोकस ऑन इंडिया, मैं और अनुपम आपको ऑफर देते हैं 90 लाख आपके प्रीवियस राउंड के वैल्यूएशन पे, फुल इक्विटी 3.34% आएगा आई थिंक, अप्रोक्सीमेटली सेम वैल्यूएशन। वैल्यूएशन दोनों के सेम है जो हमने दिए 26 करोड़। हमारे में इक्विटी कम जाती है। देखो मेरा भी बैकग्राउंड IIT से ही है और मैंने काफी समझता हूँ आप क्या बना रहे हो। पीयूष ने बोला फाइनेंसिंग वाला पार्ट, तो अपन लोग ने एक फाइनेंसिंग का काम भी करते हैं। हम लोग का मार्केट प्लेस है जिसमें 500 करोड़ की लेंडिंग करते हैं, पर मैं वी शुड गो अबाउट दैट, उसमें आपको काफी सपोर्ट कर सकता हूँ मैं। थैंक यू। लेकिन भाई हम लोग रहेंगे नहीं, तो आपको आइडियाज कौन देगा ये फाइनेंसिंग की? भाई साहब वो फिर आना पड़ेगा इनको हमारे पास दूसरी आइडिया। अनुपम को पास कोई आइडिया होता तो कुछ और भी करता ना लाइफ में। ओह दैट वाज डीप, दैट वाज डीप टेक। मैं 4 कंपनी बना चुका हूँ, इन्होंने केवल इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टर मिलते भी नहीं है, अपनी कंपनी से मिलते भी नहीं है। तो भाई जिसको कोई नहीं जानता ना उसको छाती ठोक के बोलनी पड़ती है मैंने 4 कंपनी बनाए। पर्पस कॉज अच्छी है, जहाँ पर्पस कॉज का वर्ड आता ना ये चारों डूब जाते हैं। आपके पास मेंटर्स भी हैं, आपके पास पैसे भी है, तो आपको और क्या चाहिए? मैं आउट हूँ अभी, बट मेरे को मजा आ रहा है इन चारों। एक बस पॉइंट है कि जिन इन्वेस्टर्स साथ हमने टर्म शीट साइन किया था मतलब 6 महीने पहले राउंड क्लोज किया है, अगर हम सेम वैल्यूएशन पे आएंगे तो आई थिंक इट विल बी अनफेयर टू देम। उनको प्रॉब्लम होती है अगर हम आपको डीवैल्यू करते हैं। आपके पास काउंटर है, इफ यू कैन हैव अ मिडिल ग्राउंड 2% एट 33 करोड़ वैल्यू। 66 लाख। किसको दे रहे हो ऑफर? नहीं ये ऑफर मतलब अभी ये पीयूष के लिए भी है और ये हम डेट नहीं लेना चाहते। चलो एक काम करते हैं, 3% पे कर दें। हम डेट इक्विटी स्ट्रक्चर दे रहे हैं। उन्हें डेट नहीं चाहिए, आपको डेट चाहिए नहीं चाहिए? डेट नहीं चाहिए, डेट नहीं चाहिए, इक्विटी की कोई डील है? गाइस 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 हैंग ऑन। इट्स अ शार्प फाइट, दीस टू आर रेडी टू गिव यू इक्विटी डील। यार मैं एक चीज क्लियर करता हूं दिव्यांशु, आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर एनी नेगोशिएशन। इफ यू वांट मी and Anupam as a partner, then we are keen. Correct. I want to. ये valuation बिठाने का मंच नहीं है। अगर आपको वो करना है तो best आपके लिए रहेगा आप debt ले लीजिए
आपके पास कोई काउंटर है? बिल्कुल है, बिल्कुल। चलिए हम बाहर हो जाते हैं, आई थिंक। प्लीज प्लीज प्लीज, मतलब हम आपके ऑफिस। आप यस और नो करो यार। अच्छा आपको एक से एक नहीं, आपको मेरी से ऑफर चाहिए, नमेंद्र नमिता से चाहिए, नहीं चाहिए आपको? ये उधर चाहिए तो हम बाहर हो जाते हैं। नहीं चाहिए तो वी आर आउट, वी आर आउट। आप इनसे लीजिए, आपको उनके साथ काम करना है या नहीं करना? आप इनसे ले लीजिए। तो यू आर आउट नाउ, वी आर आउट नाउ। यू हैव ओनली वन ऑफर। Piyush and Anupam, we'll take the deal. Good. Okay, good. Congrats, guys. Very, very happy for you. Yeah, so happy you got a deal. All right. अरे meet one of our success stories. He met his wife through शादी करके. अब तो deal करनी थी. ये पहले बताए थे तो 0.1% और कम कर देते. Good job, guys. Good job. Let's describe Manoj's career.